नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज हम बात करने वाले हैं कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स बुक के बारे में, जिसको लिखा गया है मिस्टर फिलिप फिशर के द्वारा। और ये एक अमेरिकन इन्वेस्टर थे और ये एक फंड मैनेजर भी थे, और जो कि मैनेज किया करते थे फिशर एंड कंपनी फंड को। और यहाँ पे ये जो बुक है ना दोस्तों, ये एक इन्वेस्टमेंट क्लासिक है, मतलब 40-50 साल पुरानी बुक है और इतनी ज्यादा फेमस है कि अभी भी चल रही है अच्छे से। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 100 साल के बाद भी ये जो बुक है ना काफी रिलायबल होने वाली है हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए। और ये बुक इतनी ज्यादा फेमस इसलिए है क्योंकि वॉरेन बफेट का भरोसा है इस बुक पे। अब जो वॉरेन बफेट की फिलॉसफी है ना, वो इस बुक से कहीं ना कहीं ली गई है। वॉरेन बफेट ऐसा कहते हैं कि मैं आधा बेंजामिन ग्रैहम हूँ और आधा फिलिप फिशर हूँ। मतलब जो बेंजामिन ग्रैहम की फिलॉसफी थी ना, वो वैल्यू इन्वेस्टिंग वाली, मतलब सस्ते भाव पे स्टॉक खरीदने वाली, वो तो है वॉरेन बफेट के साथ। लेकिन यहाँ पे जो फिलिप फिशर की फिलॉसफी है ना, हाई क्वालिटी स्टॉक को पिक करने वाली, वो भी वॉरेन बफेट कहीं ना कहीं यूज करते हैं अपनी फिलॉसफी में, ऐसा उन्होंने खुद एडमिट किया है। और आज हम इसीलिए इस बुक के बारे में बात करने वाले हैं। अभी हम सबसे पहले ये समझते हैं कि वॉरेन बफेट ने इस बुक का यूज करना क्यों स्टार्ट किया, मतलब इसके अंदर के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी रूल्स हैं, इसको रियल अपनी इन्वेस्टिंग में अप्लाई करना क्यों स्टार्ट किया, सबसे पहले हम उसको समझते हैं। और उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब जब वॉरेन बफेट ने नया नया इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया था, तो हम सभी को पता है कि जो बेंजामिन ग्रैहम है, जो कि इनके मेंटर हैं, जो कि इनके गुरु हैं, उन्होंने इनको सिखाई थी कि इन्वेस्टिंग एक्चुअल में होती क्या है। तो जो बेंजामिन ग्रैहम थे, वो कोशिश करते थे कि बहुत चीप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। अब चीप स्टॉक से मेरा मतलब है कि जो चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल हो, बहुत सस्ते भाव पे जो स्टॉक्स अवेलेबल हो, आप उनमें इन्वेस्ट करें। बैलेंस शीट को पढ़ें, इनकम स्टेटमेंट को पढ़ें और ये सारी चीजें पढ़ के समझने की कोशिश करें कि कौन सा स्टॉक सस्ता है और उसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो वॉरेन बफेट को ये चीज अच्छे से आ गई थी, लेकिन दोस्तों इस स्ट्रेटजी में फ्लॉ था। और वो फ्लॉ ये था कि इनका ये जो अप्रोच था ना, ये ज्यादा स्केलेबल नहीं था, क्योंकि अब वॉरेन बफेट के पास काफी पैसे आ गए थे कुछ टाइम के बाद। और जब हम लार्ज सम मैनेज करने की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास कम हो जाती है। तो वॉरेन बफेट को अब ऐसा अप्रोच चाहिए था जिसमें वो एक स्टॉक में पैसा लगा दें और लंबे समय तक उसको होल्ड करें। और इसी वजह से उन्होंने सर्च करना स्टार्ट किया नई नई स्ट्रेटजीज के बारे में, और यहाँ पे इन्हें मिली फिल फिशर की स्ट्रेटजी, जो कि बात करती है हाई क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करने के बारे में। अब ये जो फिल फिशर की बुक है ना, इसमें बात करी गई है एक स्कटल बट अप्रोच के बारे में। अब ये स्कटल बट अप्रोच बात करता है हाई क्वालिटी कंपनीज को आइडेंटिफाई करने के बारे में, और हाई क्वालिटी कंपनीज को पहचाना कैसे जाए, इस बारे में भी स्कटल बट अप्रोच बताता है। अब ये जो बुक है फिलिप फिशर की, इसमें ऐसे 15 सवाल दिए गए हैं जो कि आपको पूछने चाहिए किसी भी एक स्टॉक को एनालाइज करते वक्त। जैसे अगर मैं बात करूँ इन 15 सवालों की, तो ये 15 सवाल कुछ इस टाइप से हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई कंपनी कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना रही हो, जैसे मान लीजिए अगर नेस्ले मैगी को बना रही है यहाँ पे, तो मैं एज एन इन्वेस्टर मुझे ऐसे सवाल पूछने चाहिए कि यार ये जो मैगी है, इसके पास ऐसा क्या कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है कि लॉन्ग टर्म में ये अपनी सेल्स कंटिन्यू कर पाएगी। अब हम सभी को पता है कि नेस्ले की जो मैगी है, उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया है, मतलब जो कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे कि संतीश की एपी वगैरह आती है, वो सब इतना कॉम्पीट नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास टेस्ट नहीं है। तो ये ऐसे सवाल हमें पूछने चाहिए कि कंपनी की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो क्यों होनी चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं हमें इन पर एक नज़र डालनी चाहिए, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है हमें इस पर भी एक नज़र डालनी चाहिए, कंपनी के प्रमोटर्स कैसे हैं, कंपनी प्रोडक्ट्स को कैसे बेचती है, मार्केटिंग इमेज कैसी है कंपनी की, जो ब्रांड इमेज होती है ना लोगों के दिमाग में वो कैसी है, अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन वाले बिजनेस में इन्वॉल्व है तो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है, अगर कंपनी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो कस्टमर्स कितने सेटिस्फाइड है, एम्प्लॉइज की जो पॉलिसी है वो कैसी है, जो एम्प्लॉइज है वो सेटिस्फाइड है कि नहीं। तो ऐसे ही कुछ फैक्टर्स को देखते हुए ये 15 सवाल बनाए गए हैं मिस्टर फिलिप फिशर के द्वारा, और इनकी बुक में इन 15 सवालों को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। क्योंकि फिलिप फिशर का मानना है कि अगर आप ये 15 सवाल पूछते हैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, और अगर 10 में या 11 में आपको यस टिक करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए, मतलब आपने एक हाई क्वालिटी कंपनी को आइडेंटिफाई कर लिया है। तो यहाँ पे अगर मैं फिलिप फिशर के स्कटल बट अप्रोच की बात करूँ, तो दोस्तों इनका जो स्कटल बट अप्रोच है ना, ये चार चीजों पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, मतलब चार ऐसे फैक्टर्स है जिसपे ये बहुत फोकस करता है। और जो पहला फैक्टर है उनमें से वो है कंपनी का प्रोडक्ट या कंपनी की सर्विस, तो दूसरा फैक्टर है वो कंपनी के लोग हैं,
मतलब कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी के प्रमोटर्स कैसे हैं, इस पर भी काफी फोकस किया गया है मिस्टर फिलिप्स फिशर के द्वारा। मतलब प्रमोटर ईमानदार है कि नहीं, प्रमोटर की इंटेग्रिटी कैसी है, अगर मैनेजमेंट मैनेज कर रहा है कंपनी को तो मैनेजमेंट कितना ईमानदार है, उनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज कैसी है, क्या एक बंदा कंपनी को चला रहा है कि चार पांच लोगों की टीम कंपनी को चला रही है, ऐसे सवाल भी आपको पूछने पड़ सकते हैं किसी कंपनी की क्वालिटी चेक करने से पहले। और जो तीसरा फैक्टर है दोस्तों वो है कंपनी का कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। यहाँ पे फिलिप्स फिशर कंपनी में बहुत लंबे समय तक इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि इन्होंने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था जिसका नाम था टेक्सास इंस्ट्रूमेंट। अब ये एक अमेरिकन कंपनी थी और ये सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती थी, और सेमीकंडक्टर चिप्स का यूज होता है हमारे मोबाइल फोन्स में, हमारे लैपटॉप में, हमारे कैमरा में और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। यहाँ पे इन्होंने इस कंपनी को आइडेंटिफाई किया और ऐसी दुनिया में सिर्फ तीन चार कंपनी थी है मेरे हिसाब से जो कि ये सेमीकंडक्टर की जो चिप्स है ना उसको बना रही है। तो बिजनेस बहुत ही अच्छा हाई क्वालिटी वाला था और इन्होंने इसलिए उसमें इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फिलिप्स फिशर ने डेफिनेटली देखा होगा इस कंपनी में। ऐसे ही इन्होंने एक और कंपनी में इन्वेस्ट किया था जिसका नाम था मोटोरोला, और मोटोरोला में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था 1955 में और इन्होंने उस स्टॉक को होल्ड किया 2004 तक, और 2004 में इनका निधन हो गया, इनकी डेथ हो गई। लेकिन 1955 to 2004 मतलब इतने सालों तक इन्होंने मोटोरोला कंपनी में इन्वेस्ट किया। मोटोरोला उस टाइम की बहुत बड़ी कंपनी थी और वो जो वॉकी टॉकी आते थे ना, जो आपने पुलिस के पास बड़े बड़े ब्लैक कलर के फोन देखे होंगे वो बनाया करती थी मोटोरोला, और उस वक्त काफी इनोवेटिव फोन्स बनाया करती थी, अच्छी कंपनी थी उस टाइम पे, इसलिए फिलिप्स फिशर ने उसमें इन्वेस्ट करना कंसिडर किया। तो यहाँ पे फिलिप्स फिशर का जो अप्रोच है ना वो बहुत लॉन्ग टर्म है, मतलब बाय एंड होल्ड फॉरएवर, इस टाइप का अप्रोच ये फॉलो करते हुए आए हैं अपनी बुक में और अपनी लाइफ में भी। तो यहाँ पे इसी वजह से जो एक एक फैक्टर है ना इस पे बहुत ज्यादा फोकस किया है इन्होंने। तो यहाँ पे कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इसलिए फिलिप्स फिशर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ है ना वो कंपनी के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के ऊपर ही डिपेंडेंट है। इसके अलावा फिलिप्स फिशर कहते हैं कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि उसके स्टॉक का वैल्यूएशन कैसा है, मतलब स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि स्टॉक हमें फेयर वैल्यू पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे करने की हमें जरूरत नहीं है, जब स्टॉक फेयर वैल्यू पे आए तभी हम उसको बाय करें, ऐसा फिलिप्स फिशर रिकमेंड करते हैं। और वॉरेन बफेट भी इसी फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा कि वॉरेन बफेट के पास जो कोका कोला के शेयर है वो 20-30 सालों से रखे हुए हैं, मतलब उन्होंने बाय काफी पहले किया था और अभी तक होल्ड करके रखा है। और फिलिप्स फिशर का ऐसा कहना है कि आपको स्टॉक तब तक होल्ड करना चाहिए जब तक कंपनी में वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है, और आपको सेल तभी करना चाहिए जब कंपनी का जो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है ना वो गायब हो जाए, कंपनी में कुछ दिक्कत आ जाए बहुत बड़ी, तभी आपको सेल करना चाहिए। मतलब ऐसे छोटे मोटे जो फ्लक्चुएशन आते हैं ना उसमें सेल नहीं करना चाहिए। तो ये जो बुक है ना उन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी है जो कि बिल्कुल नए हैं, जिन्हें इन्वेस्टमेंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, और जिन लोगों ने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना सीखा है ना उनके लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इस बुक में बात करी गई है कि कंपनी के क्वालिटेटिव फैक्टर्स को कैसे एनालाइज किया जाए। अब जो बाकी सारी बुक्स हैं उसमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सारी चीजों के बारे में बात करी गई है, मतलब नंबर्स को कैसे पढ़ के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में जब हम बात करते हैं ना तो आधे लोगों का दिमाग चलना ही बंद हो जाता है। लेकिन ये जो फिलिप्स फिशर की जो बुक है ना ये कॉमन सेंस के ऊपर है, और कॉमन सेंस लकीली हम सभी इन्वेस्टर्स के पास है, तो इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आपको फिलिप्स फिशर की ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए, आपको बहुत मजा आएगा, ऐसी मेरी गारंटी है दोस्तों। अगर आप इन्वेस्टमेंट के सब्जेक्ट को लेकर सीरियस हैं तो मेरे हिसाब से ये मस्ट बुक है। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं बुक के रिव्यू वगैरह, और आपको खरीदना हो तो आप बाय भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे हमारी वीडियोस को तो मुझे बहुत खुशी होगी दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।